फ्रोनेसिस इन्वेस्टर एकेडमी के इस ब्रांड न्यू वीडियो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। इक्विटी म्यूचुअल फंड का सुपरस्टार क्वांट म्यूचुअल फंड्स, बहुत सारे क्वेरीज आ रहे हैं आप लोगों के कि क्या परफॉर्मेंस डाउन हो रहा है, तो उस वीडियो में हम डिटेल में जानेंगे कि क्या सही में क्वांट म्यूचुअल फंड्स का परफॉर्मेंस डाउन हो रहा है, और अगर डाउन हो रहा है तो क्यों हो रहा है, और फ्यूचर में हम इस तरह के फंड से किस तरह का परफॉर्मेंस एक्सपेक्ट कर सकते हैं। वीडियो का लास्ट 2-3 मिनट्स ज़रूर वॉच करें, क्योंकि जनरली लास्ट में मैं अपने पर्सनल व्यूज़ देता हूं। अगर ये वीडियो पसंद आए तो ज़रूर लाइक एंड शेयर करें। पहली बार हमारे यूट्यूब चैनल पर आए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। यहाँ पर आप क्वांट के डाइवर्सिफाइड इक्विटी फंड्स का परफॉर्मेंस चेक कर सकते हैं। तो लास्ट 1 ईयर, 3 ईयर, 5 ईयर और 10 ईयर के डायरेक्ट प्लान का रिटर्न्स और साथ ही इनके बेंचमार्क का रिटर्न्स भी आप चेक कर सकते हैं। देखिए, परफॉर्मेंस अगर आप देखेंगे तो 3 ईयर, 5 ईयर, 10 ईयर में तो अच्छा लग रहा है आपको, 1 ईयर में भी ज़्यादातर फंड्स का परफॉर्मेंस अच्छा है। सिर्फ यहाँ पे क्वांट एक्टिव फंड का अंडर परफॉर्मेंस आया है लास्ट 1 ईयर में, और क्वांट मिड कैप का थोड़ा अंडर परफॉर्मेंस है, बेंचमार्क के आसपास रिटर्न है। तो इन दोनों फंड में थोड़ा अंडर परफॉर्मेंस है, लेकिन बाकी फंड्स में तो अंडर परफॉर्मेंस आपको देखने को नहीं मिलेगा। तो ओवरऑल इन डिटेल्स को देखकर तो नहीं लगता है कि क्वांट म्यूचुअल फंड्स में किसी तरह का कोई प्रॉब्लम आया है। अब हम यहाँ पे सेक्टर और थीमेटिक फंड का ही परफॉर्मेंस देख लेते हैं। यहाँ भी 1 ईयर, 3 ईयर, 5 ईयर, 10 ईयर का परफॉर्मेंस, तो यहाँ पे भी परफॉर्मेंस आपको बुरा नहीं लगेगा। 1 ईयर का परफॉर्मेंस देखिए, सभी जगह अपने बेंचमार्क को बीट कर पा रहा है। क्वांट टेक फंड का परफॉर्मेंस, मतलब ये भी बेंचमार्क के आसपास ही रिटर्न है, ऐसा नहीं कि कोई बहुत ज़्यादा अंडर परफॉर्मेंस है। और यहाँ पे आप हाइब्रिड फंड्स का परफॉर्मेंस देख सकते हैं। क्वांट एब्सोल्यूट फंड एग्रेसिव हाइब्रिड फंड है, और मल्टी एसेट फंड, डायनेमिक एसेट एलोकेशन, सभी जगह अपने बेंचमार्क को ये फंड्स बीट कर पा रहे हैं। देखिए, अभी तक जो हमने डिटेल चेक किया वहाँ तो ऐसा कोई खास नहीं देखने में लग रहा है कि कोई अंडर परफॉर्मेंस आ रहा है। यहाँ पे ये जानना इंटरेस्टिंग होगा कि 1 ईयर रिटर्न वाइज भी ज़्यादातर फंड्स का परफॉर्मेंस अच्छा है, तो फिर आपके पोर्टफोलियोज में ऐसा क्यों लग रहा है कि क्वांट के इक्विटी फंड्स का परफॉर्मेंस ज़्यादा अच्छा नहीं चल रहा है। तो देखिए, वो डिटेल्स हम यहाँ पे चेक कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए, क्वांट एक्टिव फंड लास्ट 1 ईयर में अंडर परफॉर्मेंस था, तो ये देखिए रिटर्न्स अगर आप देखेंगे ना, तो 6 मंथ्स से इसका परफॉर्मेंस देखना आप शुरू कीजिए। 6 मंथ्स में अगर आप कंपेयर करेंगे BSE 500 या फिर मल्टी कैप, ये एवरेज रिटर्न है मल्टी कैप फंड्स का, देखिए अंडर परफॉर्मेंस कितना ज़्यादा अंडर परफॉर्मेंस है 6 मंथ्स। सिमिलरली 3 मंथ्स में देखिए, 1 मंथ में देखिए, तो यहाँ पे अंडर परफॉर्मेंस बहुत ज़्यादा आपको देखने को मिलेगा। और रैंक देखिए, जनरली क्वांट के इक्विटी फंड्स ना टॉप 1-2 में हमेशा ही रहे लास्ट 3 ईयर्स एटलीस्ट, लेकिन फिलहाल देखिए उनका रैंकिंग कितना नीचे चला गया है। मतलब 6 मंथ्स में या फिर 1 ईयर भी देखिए ना, 22 में 21 नंबर पे है ये फंड, सिर्फ 22 फंड्स का 1 ईयर का रिटर्न अवेलेबल है उसमें 21, 6 मंथ्स में तो बिल्कुल लास्ट है, 3 मंथ, 1 मंथ, 1 डे, सभी जगह बिल्कुल लास्ट में है ये परफॉर्मेंस वाइज। तो यस, रीसेंट टाइम्स में अंडर परफॉर्मेंस बहुत ज़्यादा आया है इस फंड का। अब देख लेते हैं कि अंडर परफॉर्मेंस सिर्फ इसी फंड में आया है कि दूसरे फंड्स में भी अंडर परफॉर्मेंस है। तो क्वांट के इक्विटी में सबसे बड़ा फंड कौन सा है? क्वांट स्मॉल कैप फंड, बहुत लोगों का इन्वेस्टमेंट है वहां पे, तो देख लेते हैं वहां पे परफॉर्मेंस कैसा चल रहा है। तो देखिए, यहाँ पे भी सेम स्टोरी है, लास्ट 6 मंथ्स का देखिए अंडर परफॉर्मेंस बहुत ज़्यादा है, 3 मंथ्स, 1 मंथ। यहाँ पे रैंक विद इन कैटेगरी भी देखेंगे तो ऑलमोस्ट लास्ट पे चल रहा है, देखिए ऑलमोस्ट लास्ट पे, जो कि बहुत सरप्राइजिंग है, क्योंकि ये फंड्स बहुत अच्छा कर रहे थे कुछ समय पहले तक, कोविड के बाद से तो बहुत अच्छा परफॉर्मेंस रहा है। यहाँ पे देखिए, इंटरेस्टिंग ये है कि सिर्फ ऐसा नहीं कि सिर्फ यही 2 फंड जो कि मैं आपको शो कर रहा हूँ अंडर परफॉर्मेंस है लास्ट 3 मंथ्स, 6 मंथ्स, क्वांट के ज़्यादातर फंड्स, ज़्यादातर इक्विटी फंड्स और इवन हाइब्रिड फंड्स में भी अगर आप रीसेंट टाइम्स का परफॉर्मेंस देखेंगे ना, तो ज़्यादातर फंड्स में बहुत ज़्यादा अंडर परफॉर्मेंस है। अब जान लेते हैं कि ये जो अंडर परफॉर्मेंस है वो आ क्यों रहा है। क्वांट एक्टिव फंड का यहाँ पे आप डिटेल चेक कर सकते हैं, आपको पता चलेगा कि अंडर परफॉर्मेंस क्यों आ रहा है। यहाँ पे देखिए, इक्विटी में सिर्फ 92% का एक्सपोजर लिया गया है और बाकी डेट या फिर कैश में रखा गया है। इनफैक्ट क्वांट म्यूचुअल फंड पूरे म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री में सबसे ज़्यादा कैश रखे हुए हैं, और वो भी पिछले कुछ महीनों से, ऐसा नहीं कि अभी हुआ है, पिछले कुछ महीनों से। और इसके अंडर परफॉर्मेंस का एक बड़ा रीज़न ये है। सेकेंड अंडर परफॉर्मेंस का रीज़न देखिए, सेक्टर एलोकेशन आप देखिए, यहाँ पे एनर्जी में इनका एलोकेशन देखिए ना, कैटेगरी एवरेज 7% के आसपास है, इनका ऑलमोस्ट 16% है। इनके सेक्टर एलोकेशन में एक और इंटरेस्टिंग पॉइंट है, देखिए टेक्नोलॉजी में ना
कैटेगरी एवरेज ऑलमोस्ट 12% का है, यहाँ पे सिर्फ 2.6% का एक्सपोजर लिया गया है। क्वांट एक्टिव फंड का स्टॉक पोर्टफोलियो चेक कर सकते हैं, तो एनर्जी में इनका बहुत ज्यादा एक्सपोजर था। क्यों है? क्योंकि रिलायंस इंडस्ट्रीज है ऑलमोस्ट 10%, काफी समय से हम देख रहे हैं रिलायंस इंडस्ट्रीज में इनका एक्सपोजर बहुत ज्यादा। और रिलायंस इंडस्ट्रीज का तो कल रिजल्ट भी आया है ना, रिजल्ट कोई खास अच्छा नहीं, इसलिए आज स्टॉक गिरा भी है। तो नियर फ्यूचर में तो ऐसा कुछ लगता नहीं है कि कोई खास परफॉर्मेंस आएगा इस स्टॉक से, बट एनी हाउ इन्होंने काफ़ी समय से होल्ड करके रखा है, तो अंडर परफॉर्मेंस का ये भी एक रीज़न है। और सेकंड रीज़न इनका ये भी है कि देखिए, सेम तरह के स्टॉक्स हैं इनके ज़्यादातर पोर्टफोलियोज में, लार्ज कैप हो, मिड कैप हो, स्मॉल कैप हो, अगर आप स्टॉक्स देखेंगे ना तो बहुत सारे स्टॉक्स आपको सेम मिल जाएंगे। इवन हाइब्रिड फंड्स में भी उसी तरह के स्टॉक्स हैं। तो यहाँ पे अगर आप एक फंड का भी पोर्टफोलियो देख रहे हैं ना कि अंडर परफॉर्मेंस है, तो उससे आपको आइडिया मिल जाएगा कि ज़्यादातर फंड्स ही का अंडर परफॉर्मेंस है, क्योंकि सेम तरह का पोर्टफोलियो है। अगर आपने क्वांट एक्टिव फंड या क्वांट स्मॉल कैप में इन्वेस्टमेंट नहीं किया, दूसरे फंड में भी इन्वेस्टमेंट किया, वहाँ पे भी अगर आप देखेंगे जो पोर्टफोलियो आप देख रहे हैं यहाँ पे ना, सेम तरह के स्टॉक्स आपको देखने को मिलेगा, और सेम 3 मंथ 6 मंथ्स का अंडर परफॉर्मेंस ज़्यादातर केसेस में आपको देखने को मिलेगा। रिलायंस इंडस्ट्रीज के अलावा इनके ज़्यादातर पोर्टफोलियो में आपको जियो मिल जाएगा, जियो फाइनेंशियल जरूर आपको मिलेगा, और ज़्यादातर पोर्टफोलियोज में आपको आजकल ITC, अदानी पावर भी बहुत मिलेगा, LIC आपको मिलेगा, आदित्य फैशन भी, इन्होंने एक्सपोजर काफ़ी बढ़ाया है इधर, IRB इंफ्रा तो काफ़ी समय से इन्होंने लिया हुआ है। यहाँ पे क्वांट स्मॉल कैप फंड के डिटेल्स चेक कर सकते हैं। यहाँ भी देखिए, इक्विटी में सिर्फ 87% का एक्सपोजर है, बाकी पूरा कैश में देखिए कितना ज़्यादा एक्सपोजर है। तो अगर मार्केट का परफॉर्मेंस ठीक ठाक रहता है तो कैश इतना ज़्यादा है कि अंडर परफॉर्मेंस आएगा ही यहाँ पे। सेक्टर एलोकेशन अगेन सेम प्रॉब्लम, एनर्जी में देखिए कितना ज़्यादा एलोकेशन है जबकि कैटेगरी एवरेज कितना कम है यहाँ पे। यहाँ पे क्वांट स्मॉल कैप फंड का पोर्टफोलियो चेक कर सकते हैं, सेम पोर्टफोलियो है ना, स्मॉल कैप है ये। तो स्मॉल कैप में भी देखिए, रिलायंस इंडस्ट्रीज 10% का एक्सपोजर है, जियो फाइनेंशियल 7% का एक्सपोजर है, फिर सेम अदानी पावर मैंने आपको बताया था ज़्यादातर पोर्टफोलियोज में आपको मिल जाएगा, आदित्य फैशन में इन्होंने एक्सपोजर काफ़ी बढ़ाया है रिसेंट टाइम्स में, HFCL में भी एक्सपोजर इनका अच्छा खासा चल रहा है, सेम पोर्टफोलियोज। तो अंडर परफॉर्मेंस इसीलिए सभी जगह 3 to 6 months आपको देखने को मिल रहा है। अभी हमने क्वांट के फंड्स का डिटेल्स चेक किया, उससे हमें क्या पता चलता है? नंबर वन, अंडर परफॉर्मेंस है, स्पेशली लास्ट 3-6 months का अगर आप परफॉर्मेंस देखेंगे तो इनके ज़्यादातर फंड्स में अंडर परफॉर्मेंस है, और इसी तरह का अगर अंडर परफॉर्मेंस बना रहा तो अगले कुछ महीनों में आप क्लियरली देखेंगे कि ये जो लास्ट 1 year का रिटर्न इनका ज़्यादातर केसेस में ना बेंचमार्क को बीट कर पा रहे हैं, वो भी नहीं कर पाएंगे, वहाँ पे भी आपको अंडर परफॉर्मेंस देखने को मिलेगा। अंडर परफॉर्मेंस के रीजंस क्या हैं? नंबर वन रीज़न ऑफकोर्स हमने देखा, कैश का एलोकेशन बहुत ज़्यादा है। तो देखिए, कैश जब भी एलोकेशन ज़्यादा रखते हैं, तो मैंने आपको हमेशा बताया ये 2-धारी तलवार है। कैश ज़्यादा एलोकेशन लेने का मतलब आप प्लेस सेफ कर रहे हैं, मतलब कि आपको लगता है कि मार्केट बहुत ज़्यादा गिर सकता है, क्योंकि एलोकेशन इनका बहुत ज़्यादा है कैश में। तो अगर मार्केट बहुत ज़्यादा गिरता है तब तो आपके लिए वो पॉजिटिव होगा, ठीक है, मार्केट बहुत ज़्यादा गिरेगा, आप अच्छे वैल्यूएशन पे अपना इन्वेस्टमेंट करेंगे और आने वाले दिनों में आपके रिटर्न्स काफ़ी अच्छे आएंगे। लेकिन जिस तरह का एक्सपेक्ट आप कर रहे हैं मार्केट को गिरने का, अगर मार्केट उस तरह का नहीं गिरता है, मार्केट मोस्टली फ्लैट रहता है या फिर थोड़ा ऊपर जाते रहता है, तो वहाँ पर आपका पोर्टफोलियो बुरी तरह से हिट होगा। और फिलहाल क्वांट के केस में इनका पोर्टफोलियो बुरी तरह से हिट हो रहा है, जो कि क्लियरली दिख रहा है। सेकेंड रीज़न क्या है? इनका स्टॉक पोर्टफोलियो ना, स्टॉक पोर्टफोलियो में इन रिलायंस आपको सभी जगह मिल जाएगा, अगेन प्ले सेफ, हाँ, ज़्यादा रिस्क नहीं लेना चाहते, इन्हें लग रहा है कि मार्केट बहुत ज़्यादा गिरेगा, तो रिलायंस में शायद इन्होंने एक्सपोजर इसलिए ज़्यादा रखा है कि देखिए, जब मार्केट बहुत ज़्यादा गिरेगा तो रिलायंस उतना ज़्यादा नहीं गिरेगा, काफ़ी कम गिरेगा। ऑल्दो जब मार्केट बहुत तेज़ी से ऊपर जाएगा, वहाँ रिलायंस आपको कोई बहुत ज़्यादा रिटर्न नहीं देने जा रहा है, लेकिन हाँ, अगर बहुत गिरेगा तो रिलेटिवली कम गिरेगा, तो सेफ्टी के लिए शायद इन्होंने रखा है, एग्जैक्टली तो फंड मैनेजर ही बताएंगे, तो वो भी एक बहुत बड़ा रीज़न है। साथ ही इनके ज़्यादातर फंड्स में, पोर्टफोलियो में आपको ज़्यादातर सेम स्टॉक्स देखने को मिलेंगे, खासकर ऊपर वाले, इसीलिए ज़्यादातर फंड्स का ही सेम परफॉर्मेंस है, रिसेंट टाइम्स का बहुत ज़्यादा अंडर परफॉर्मेंस। देखिए, क्वांट का अगर आप परफॉर्मेंस देखेंगे ना, तो पहले तो कोई परफॉर्मेंस था नहीं, इनफैक्ट क्वांट म्यूचुअल फंड अगर आप देखें तो एक नया म्यूचुअल फंड कंपनी, स्कॉट म्यूचुअल फंड को इसने ख़रीदा था 2018 में, और जो भी रिटर्न्स आया है मोस्टली इनका ना कोविड के बाद जब स्टॉक मार्केट में रैली आया तब से इनका रिटर्न देखने को मिल रहा है, उससे पहले कुछ खास परफॉर्मेंस नहीं था। देखिए, इनका रिटर्न मोस्टली कैसे आया है, इन्होंने अगर क्रिकेट के टर्म्स में देखें ना, तो हमेशा इन्होंने फ्रंट फुट पर खेला है,
ना मतलब मार्केट बहुत अच्छा कर रहा था, लगातार अच्छा कर रहा है मार्केट कोविड के बाद से अगर आप देखें तो। इन्होंने फ्रंट फुट पे खेला, बहुत ज़्यादा रिस्क लिया, मोमेंटम प्ले के लिए गए और बहुत ज़्यादा रिटर्न जनरेट किया। लेकिन अब मार्केट चेंज हो रहा है। मैंने पहले भी आप लोगों को कई बार बताया था कि क्वांट मोस्टली तब तक ज़्यादा अच्छा करेगा जब मार्केट बहुत अच्छा कर रहा है, लेकिन जब मार्केट थोड़ा चैलेंजिंग हो जाएगा ना, उस समय हमें देखना होगा कि उस समय ये इन फंड्स का परफॉर्मेंस कैसा आता है। और मार्केट फिलहाल थोड़ा चैलेंजिंग हो गया है। अब पहले वाली बात नहीं कि आंख बंद करके भी हम बैट चला रहे हैं तो चौका छक्का लगेगा। अब हमें आंख खोलकर अच्छी तरह से देखना होगा और इन्वेस्टमेंट करना होगा, नहीं तो रिजल्ट्स अच्छे नहीं होंगे। तो देखिए, क्वांट के लिए चैलेंजिंग पीरियड है। जब मार्केट बहुत अच्छा कर रहा था तब तो बहुत अच्छा रिटर्न, इसीलिए मैंने शुरू में बोला भी सुपर स्टार, नो डाउट अबाउट दैट। कोविड के बाद का जो परफॉर्मेंस है उसको देखा जाए तो सुपर स्टार रहा है क्वांट। लेकिन हाँ, अब देखना होगा, अगर इन चैलेंजिंग टाइम्स में क्वांट का परफॉर्मेंस अच्छा होता है तब फिर जो क्रेडिबिलिटी है ना उस फंड हाउस में आ जाएगी। अगर यहाँ पे ये लुढ़क जाते हैं तो फिर ओवरऑल यही बोला जाएगा कि नहीं, जब सब कुछ अच्छा कर रहा था तब तो कोई भी अच्छा कर लेगा, आपने बहुत ज़्यादा रिस्क लेकर बहुत अच्छा किया, परफॉर्मेंस अब इन्हें शो करना होगा। तो देखिए, मेरे व्यूज़ यही हैं कि जब भी आप किसी भी म्यूचुअल फंड स्कीम में इन्वेस्टमेंट करते हैं तो लॉन्ग टर्म के लिए करते हैं, और इनके फंड्स ने परफॉर्मेंस तो बहुत अच्छा दिया है। अगर किसी ने कुछ समय पहले भी इन्वेस्टमेंट किया होगा तो अभी भी आपके रिटर्न्स बहुत अच्छे आ रहे होंगे। और किसी भी फंड में थोड़ा बहुत अंडर परफॉर्मेंस तो आता है, ठीक है, कोई भी फंड हो। तो यहाँ पे उतने लंबे समय ऑलमोस्ट थ्री एंड हाफ ईयर्स का अच्छा रिटर्न, उसके बाद एवरेज आउट भी होता है रिटर्न ना। लाइक अगर क्वांट रिलेटेड आप मेरे पिछले वीडियोज़ को आप देखेंगे, वहाँ पे मैंने क्लियरली बोला था कि देखिए इनके अंडर परफॉर्मेंस का टाइम आ गया है, अब वो स्टार्ट हो गया। एक तो होता है लॉ ऑफ एवरेजेस, उतने समय से अंडर परफॉर्मेंस आ रहा था, थोड़ा अंडर परफॉर्मेंस आना ही था। और दूसरा बात, कुछ और रीजंस हमने डिस्कस किया जिसके कारण अंडर परफॉर्मेंस आ रहा है। लेकिन हाँ, लॉन्ग टर्म मीडियम टर्म तो जब भी आप इन्वेस्टमेंट करते हैं तो फंड मैनेजर को आपको टाइम देना होगा। देखिए, फंड मैनेजर का कॉल है। पहले देखिए, इनका AMC बहुत छोटा सा था तो इन्होंने बहुत ज़्यादा रिस्क लिया, क्योंकि नथिंग टू लूज था ना, बहुत ज़्यादा रिस्क लिया, बहुत ज़्यादा रिटर्न जनरेट किया, बहुत सारे इन्वेस्टर्स को फायदा भी हुआ। लेकिन अब इनका AMC बहुत छोटा नहीं रहा है, 1 लाख करोड़ प्लस का इनका AUM हो गया, थोड़ा बड़ा हो गया इनका AMC। तो अब शायद ये उस तरह का रिस्क ना लेना चाहें, क्योंकि अगर यहाँ पे फिर से बहुत बुरी तरह से इनके फंड्स अगर गिरने लगे ना तो जो भी आए हैं इन्वेस्टर्स वो भाग जाएंगे। आपको पता है इन्वेस्टर्स कैसे होते हैं, उन्हें रिटर्न से मतलब है और गलत भी नहीं है। तो यहाँ पे वही देखना होगा कि प्ले सेफ जो ये कर रहे हैं, तो इनका मानना है कि शायद बहुत ज़्यादा मार्केट गिरेगा, तो देखना होगा। अभी बोलना मुश्किल है ना, फंड मैनेजर का कॉल है तो कुछ टाइम देकर देखना होगा। अगर फंड मैनेजर का कॉल सही जाता है तो अगेन इनका परफॉर्मेंस वापस आएगा, और अगर कॉल सही नहीं जाता है तो कुछ समय और हमें अंडर परफॉर्मेंस देखने को मिलेगा। क्वांट के फंड्स का परफॉर्मेंस का एक बड़ा रीज़न रिसेंट टाइम्स में रहा था मोमेंटम और वैल्यू। हाँ, फिलहाल इनके पोर्टफोलियो में आपको ज़्यादा मोमेंटम प्ले भी देखने को नहीं मिलेगा, ज़्यादा वैल्यू भी देखने को नहीं मिलेगा, तो ये भी एक रीज़न है अंडर परफॉर्मेंस का। क्योंकि आप मोमेंटम और वैल्यू स्टॉक्स का अगर आप परफॉर्मेंस देखेंगे ना, मतलब जो वैसे फंड जो कि वैल्यू या फिर मोमेंटम को फॉलो करते हैं, तो उन फंड्स के मुकाबले भी क्वांट के फंड्स का परफॉर्मेंस डाउन चल रहा है। बट एनी हाउ, देखिए, जब भी आप किसी भी म्यूचुअल फंड स्कीम में इन्वेस्टमेंट करें तो वहाँ पे अगर कोई हाई रिटर्न जनरेट कर रहा है तो ऑफकोर्स हमें उसका एडवांटेज उठाना चाहिए, उसमें कहीं कोई गलत नहीं है। सिर्फ ध्यान ये रखना है कि किसी भी म्यूचुअल फंड कंपनी में बहुत ज़्यादा एक्सपोजर नहीं लेना है। देखिए, इन्वेस्टर सिर्फ गलती ये करते हैं ना कि अगर कोई म्यूचुअल फंड कंपनी का परफॉर्मेंस अच्छा आने लगा, क्योंकि सेम तरह के स्टॉक्स हैं ना, तो ज़्यादातर फंड्स ही सेम पोर्टफोलियो है, सबका परफॉर्मेंस अच्छा चल रहा है, तो वो देखकर कई बार इन्वेस्टर्स क्या करते हैं कि सेम म्यूचुअल फंड कंपनी के दूसरे फंड्स में पूरा इन्वेस्टमेंट कर दिया। अब यहाँ पे देखिए, जब कॉल आपका अच्छा जा रहा है तब तो बहुत अच्छा परफॉर्मेंस है, जब कॉल आपका थोड़ा डाउन हुआ तो परफॉर्मेंस फिर डाउन होने लगा। तो अब इसके कारण क्या होगा कि आपका पूरा पोर्टफोलियो ही बुरी तरह से हिट हो जाएगा। तो पोर्टफोलियो बनाते वक्त आप ध्यान में रखें, कोई भी म्यूचुअल फंड कंपनी कितना भी अच्छा परफॉर्मेंस क्यों ना कर रहा हो, बहुत ज़्यादा एक्सपोजर नहीं ले, एक लिमिटेड एक्सपोजर ले और डाइवर्सिफाई करके रखें। ये बिल्कुल ध्यान में रखें कि सब कुछ सिक्लिकल है, बहुत अच्छा परफॉर्मेंस आ रहा है, बहुत अच्छी बात है, उसका आप एडवांटेज उठाएं, लेकिन अंडर परफॉर्मेंस भी आएगा। और जो फंड अभी अंडर परफॉर्म कर रहा है, आने वाले समय में आप देखेंगे कि वो भी ऊपर आएगा, ऐसा नहीं कि हमेशा डाउन रहेगा। तो अगर किसी ने सोच समझकर उस तरह से एलोकेशन लिया हुआ है, लिमिटेड एलोकेशन लिया है, तो वहाँ पे कोई मेजर कंसर्न नहीं होना चाहिए। ऐसा नहीं कि इसका परफॉर्मेंस नहीं आएगा, इसका भी वापस आएगा। लेकिन हाँ, ये देखना बहुत इंटरेस्टिंग होगा, जो कि मैंने ऑलमोस्ट सारे वीडियोज़ में आप लोग को बताया था
कि जब डाउन टर्न स्टार्ट होगा, जब मार्केट ना इस तरह का रैली जो चल रहा है वो थोड़ा डाउन होगा, सर्कमस्पेक्ट होंगे फंड मैनेजर्स की क्या किया जाए, मार्केट ऊपर जाएगा नीचे जाएगा फ्लैट रहेगा क्या होगा, तो अभी वही देखने को मिल रहा है। कल के वीडियो में मैंने आपको बताया था ना, अर्निंग ग्रोथ देखिए इंडिया में थोड़ा डाउन चल रहा है, साइक्लिकल है। तो लास्ट क्वार्टर भी कुछ नहीं था, इस क्वार्टर भी आप कोई खास अर्निंग ग्रोथ आप एक्सपेक्ट नहीं करें, नेक्स्ट क्वार्टर से थोड़ा बहुत इंप्रूवमेंट देखने को मिलेगा। तो ये पूरे साल ही थोड़ा डाउन रहेगा क्योंकि कोविड के बाद से हमने देखा था बहुत अच्छा अर्निंग ग्रोथ आ रहा था, अब डाउन हो रहा है और कुछ और जियोपॉलिटिकल टेंशंस भी चल रहे हैं, चाइना का भी फैक्टर शॉर्ट टर्म के लिए है, तो इसलिए मार्केट पे प्रेशर बना हुआ है। और लेट्स सी क्वांट का परफॉर्मेंस, देखते हैं आने वाले समय में कैसा होगा। फिलहाल तो बिल्कुल सही बात है कि बहुत ज़्यादा अंडर परफॉर्मेंस चल रहा है इनका ना, अगर आप कैटेगरी एवरेज से ही परफॉर्मेंस करें बेंचमार्क के मुकाबले देखें तो बहुत ज़्यादा अंडर परफॉर्मेंस है। लेकिन हाँ, किसी भी फंड में थोड़े सिक्स मंथ्स के अंडर परफॉर्मेंस के आधार पर हम ये बिल्कुल भी नहीं बोल सकते हैं कि फंड खराब हो गया या फंड हाउस का परफॉर्मेंस ठीक नहीं है। आइडियली हमने लॉन्ग टर्म या मीडियम टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट किया है, तो थोड़े बहुत अंडर परफॉर्मेंस से हमें परेशान नहीं होना चाहिए, उस फंड को या उस AMC को हमें थोड़ा और टाइम देना चाहिए, उसके बाद हम कॉल ले सकते हैं। तो एज ऑफ नाउ नथिंग टू वरी, बट हाँ मोस्टली मैं ये मानकर चल रहा हूँ कि आपने जो एक्सपोजर है वो लिमिटेड रखा हुआ है। अगर आपने पूरा का पूरा एक्सपोजर यहां पे लिया हुआ है तो मुझे ऐसा लगता है कि ये अंडर परफॉर्मेंस जो चल रहा है आने वाले कुछ और समय तक बना रहेगा। बट एनी हाउ एवरी फ्यू मंथ्स तो मैं डिटेल रिव्यू करता ही हूं, तो आने वाले समय में भी मैं कुछ महीनों के बाद एक बार और डिटेल रिव्यू करूंगा, उसके बाद देखते हैं कि इसका परफॉर्मेंस क्या चल रहा है और आने वाले समय में किस तरह का एक्सपेक्टेशन हम इसके फंड से रख सकते हैं। सो दैट्स इट इन दिस वीडियो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो जरूर लाइक एंड शेयर करें, पहली बार हमारे यूट्यूब चैनल पर आए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। इस वीडियो से रिलेटेड कोई भी क्वेरी है तो कमेंट में जरूर मेंशन करें, मैं आने वाले वीडियोस में ट्राई करूंगा उन क्वेरीज को आंसर करने का। थैंक्स लॉट फॉर वॉचिंग।